खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कही के एक रूमी ना बिल्कुल रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसन है? पहले शादी कर दीजिए, फिर फैमिली प्लानिंग बाद में कीजिएगा। हमारे छोट के ससुर जी है ना, देखिए पता ना का बोल रहे। अभी 60 साल की उम्र हो गई है, दादाजी बनने की उम्र है अब आपकी, और शादी नहीं किया है। बोले है बाल बच्चे अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि ई का नाम टीटू रखेंगे, ऊ का नाम मीटू रखेंगे, पता ना का कुछ भी बोल रहे हैं। हमसे नाम पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे ना आपको। ये सब तो ठीक है, बच्चे से याद है दिया मिर्जा जी ने भी ना शादी से पहले प्रेगनेंसी और बाकी के बारे में बात की है। तो चलिए पहले वो खबर दिखाते हैं आपको। दिया मिर्जा ने की खुलकर बात, कहा शादी से पहले सेक्स, शादी से पहले प्रेगनेंसी पर्सनल चॉइस के मामले हैं। राहत मिली है कि भारतीय कानून महिलाओं और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। जी हां, एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने अपनी प्रेगनेंसी और दूसरी शादी के बारे में खुलकर बात की और कहा कि जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो हम डार्क एजेस में है। उन्होंने अमेरिका में हाल की घटनाओं का संदर्भ दिया जहाँ अबॉर्शन लॉ के बारे में बहस दशकों से चल रही है, और कहा कि शादी से पहले सेक्स और प्रेगनेंसी एक अलग थॉट रखते हैं। बता दें कि दिया ने फरवरी 2021 में बिजनेसमैन वैभव के साथ शादी की और अप्रैल में अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की। इस बारे में बात करते हुए उनका कहना है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस फैक्ट को पहचानते हैं कि यह एक पर्सनल चॉइस है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करते हुए उनका कहना है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को देखें और अमेरिका में हाल की घटनाओं पर टिप्पणी की जहां महिलाएं अगर चाहें तो गर्भपात नहीं करा सकती। उन्होंने राहत व्यक्त की कि कम से कम भारत में कानून महिलाओं और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। अपनी गर्भावस्था की घोषणा करने के बाद दिया ने एक इंस्टाग्राम यूजर को जवाब दिया था जिसने उनकी गर्भावस्था के संबंध में उनकी शादी के समय पर सवाल उठाया था और पूछा था कि वैभव के साथ शादी के बंधन में बंधने से पहले उन्होंने गर्भावस्था का खुलासा क्यों नहीं किया। उन्होंने जवाब दिया कि दिलचस्प सवाल, सबसे पहले हमने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि हम एक साथ एक बच्चे को जन्म दे रहे थे। हम पहले से ही शादी कर रहे थे क्योंकि हम लाइफ एक साथ बिताना चाहते थे। हमें पता चला कि जब हम अपनी शादी प्लानिंग कर रहे थे तो हमें पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो यह विवाह प्रेगनेंसी का परिणाम नहीं है। हमने प्रेगनेंसी की घोषणा तब तक नहीं की जब तक हमें इसके सुरक्षा का पता नहीं चल गया। यह मेरी लाइफ की सबसे सुखद खबर है। ऐसा होने के लिए मैंने कई सालों तक इंतजार किया है। किसी भी तरह से मैं इसे मेडिकल के अलावा किसी और कारण से नहीं छुपाऊंगी। वही दिया के काम की बात करें तो वे अगली बार निर्देशक अनुभव सिन्हा की फिल्म भीड़ में नजर आएंगी। उन्होंने पहले भी फिल्म निर्माता के साथ कैश 10 और थप्पड़ पर काम किया था। खैर इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रो ये नहीं, काहे रो रहे हैं? अब फिर से हम आए ना, हम अपनी अम्मा के घर गए थे ना, तो हम आए ना वो दिन, हमको का बोलते हैं पता है, 2001 बन तुम अभी यहाँ हो का? तुम्हारा तो टाइम नहीं हुआ, तुमको जाना नहीं है, आ जा रहे हो, आते रहना, अपना ही मोहल्ला ठीक है। तो हमको ससुर जी का बोलते हैं कि ओहो फिर से जिंदगी में दुख आ गया है, दो बहुरानी तुम आ गई हो, तो ऐसा तो अगर हमको हमारे ससुर बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताओ। ये छोट अपने भाई के आने के बाद इतना बदल गए हैं ना हमारे ससुर, इतना तो जल्दी मौसम नहीं बदलता, उतना जल्दी हमारे ससुर जी बदले, हम बता रहे हैं दर्शकों। कछु तो ये काला जादू तो नहीं किए हैं? काला जादू का हमको नहीं पता कि सच है कि झूठ है, पर हमको लग रहा है कि आदमी कछु तो करता है। अब पता नहीं का है, फिलहाल हम जाते हैं, नई खबर लेकर आते हैं। आप कहीं नहीं ना जाइएगा, आप जरूर से बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी की दर्शकों।